स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। मानव केंद्र के पास बाईपास रोड पर बस स्टॉप का निर्माण जो है वीरवार को आरंभ हुआ था और वहां पर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था कि उनके निवास स्थान दुकानों के सामने ये बस स्टॉप बनाया जा रहा है तो उनको कुछ रास्ता दे दिया जाए। तो वहां पर मौजूद चेयरपर्सन शालिनी शर्मा व नगर पालिका अधिकारियों द्वारा फिर सहमति से कुछ रास्ता दे दिया गया था और वहां पर बस स्टॉप का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया था। आप देख सकते हैं नींव खुद गई थी और ये सहमति बन गई थी जिस पर वहाँ मौजूद लोगों ने आभार व्यक्त भी किया था कि उन्हें रास्ता कुछ दो ढाई फुट दे दिया गया है। मगर उसके बाद अचानक ही नगर पालिका के द्वारा एक शिकायत उन लोगों के खिलाफ ही पुलिस में दर्ज कराई गई कि सरकारी काम में बाधा उनके द्वारा पहुँचाई जा रही है, जबकि लोगों को ये कहना था कि हमने किसी प्रकार की कोई बाधा उस कार्य में नहीं पहुंचाई है, जबकि हाथ जोड़कर उनके द्वारा ये रास्ता उनके मांगा था और उन्होंने रास्ता ये दे भी दिया था जिस पर उन्होंने आभार व्यक्त किया था। तो अचानक ही नगर पालिका द्वारा उनके खिलाफ ही शिकायत दर्ज कराई दी गई है। तो इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा अब आज शनिवार को वहाँ पर अपनी मौजूदगी में वो निर्माण कार्य एक बार फिर से आरम्भ कराया गया है। चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा का ये कहना था कि बस स्टॉप का निर्माण कार्य उसी स्थान पर हो रहा है, उसी पूरी स्थान पर जहां पर वो पहले बस स्टॉप का निर्माण हुआ था वहीं पर ये बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के द्वारा भी ये शिकायत की गई थी कि भाई यहां पर बस स्टॉप जो है बनाया जाए और किसी प्रकार से कोई भी थोड़ी सी भी जगह यहाँ पर ना छोड़ी जाए। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने अब उसी स्थान पर बस स्टॉप का निर्माण करना कार्य आरम्भ करवाया है जहाँ पर वो पहले निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था, मगर कुछ लोगों द्वारा फिर एक बार से विरोध किया गया और फिर कहा गया कि उन्हें रास्ता दिया जाए, मगर वहां पर मौजूद नगर पालिका के ठेकेदार द्वारा जो है पुलिस की मौजूदगी में ये कार्य आरंभ कराया गया और काफ़ी विरोध उस वक्त वो लोग कर रहे थे जिन्होंने पहले रास्ते आदि की मांग यहां पर की थी और पुलिस की मौजूदगी में ही ये कार्य जो है अब वहाँ पर आरम्भ हो गया है। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया कि वो सरकारी कार्य में बाधा ना पहुँचाए वरना वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिस पर जो है फिर वो लोग कुछ पीछे हटे और तब वो वहाँ पर निर्माण कार्य जो है अब आरंभ करा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर मौजूद जो लोग निर्माण कार्य का विरोध कर रहे थे उनके द्वारा आज भी विरोध किया गया, लेकिन पुलिस के दखलअंदाजी से वो लोग शांत हो गए और निर्माण कार्य जो है जिस स्थान पर पहले बना हुआ था बस स्टॉप वहीं पर निर्माण कार्य जो है आरंभ कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कार्रवाई जहां पर पुलिस खड़ी हुई है और उनकी मौजूदगी में ये कार्य जो है आरंभ आज किया गया था। आप बताओ भाई जी क्या बात होगी थी, अब क्या मामला हो गया फिर? ये सर जी ऐसा है जी मतलब फाइनल हो गई थी जी 18 फुट का रास्ता यानी कि 5-6 फुट का रास्ता छुड़वा लिया था जी, रास्ता दे दिया था प्रशासन ने भी दिया सारे ने भी, उन्होंने काम शुरुआत करे अपने चेयरमैन जो अपनी है उन्होंने काम शुरुआत करा दी थी जी रास्ता छुड़वा दिया था मतलब। हाँ जी हाँ जी सारी सहमति बन गई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल अखबार में आई हुई है, मोबाइल में भी आई हुई है जी। जी जी अखबार देख सकते हैं, अखबार में भी अखबार पढ़े देखिए अखबार कहाँ है भाई। चलो कोई बात नहीं, उसमें भी आई है जी काम शुरू हो गया था। अच्छा न्यूज में भी आई है टीवी में मतलब उसमें भी आ रही है। उसके बाद उस काम शुरू होने के बाद यानी कि कल काम शुरू हो गया था जी परसों, उसके बाद फिर यानी कि दोबारा फिर ये कहते हैं जितना है उतना है उतना ही बनना चाहिए। यानी आपके घर का रास्ता रोका जा रहा है? बिल्कुल रास्ता रोक लिया जी, देखो आपके सामने है जी, आपके सामने है जी रास्ता, देखो आपके सामने है। क्या ट्रांसफार्मर खड़ा है जी, बताओ मैं क्या करूँ? क्या गुहार है आपके प्रशासन से? प्रशासन से जी मन तो रास्ता दिया ज्यादा मैं देखो मैं ये नहीं चाहता भी स्टॉप ना बने, बने हमारे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को रास्ता दे दे थोड़ा मेरे को। उस दिन तो रास्ता देने से मान गए थे मतलब, मना कर रहे हैं बिल्कुल जी। हाँ जी मान गए
रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़े भाइयों के, मैं यही कर सकता हूँ क्या, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ जी। उन्होंने रास्ता दे भी दिया, सारा कुछ हो गया, काम शुरू हो गया। उसके बावजूद फिर काम शुरू होने के बाद फिर दोबारा फिर आज फिर उन्होंने काम लगा दिया, कहते जितना पहले बना था उतना बनना चाहिए। बताओ जी मतलब जो मौखिक समझौता है वो रद्द हो गया। हाँ तो रद्द हो गया जी, रद्द ही कर रहे जी, ने सहमत रद्द ही कर रहे जी। बताओ मेरे, मैं तो कुछ नहीं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे जी, लंका यूँ बताओ जी। रास्ता पूरी तरह से बंद है मतलब? हाँ जी बिल्कुल बंद ही हो गई। देखो जी, ये देखो आप, इधर की देखो ना, ये देखो गेट लगा हुआ सारा, ये गेट लगा, देखो जी ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक हाँ जी आप आओ यहाँ। मेरे बच्चे बिल्कुल ही डेढ़ जा रहा जी, मेरे को रास्ता थोड़ा सा चाहिए, जहाँ पहले प्रशासन ने मेरे को दिया था, सहमति में दिया था। और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जी उस टाइम, मेरे उस टाइम 40 साल हो गए थे मेरे दुकानों को रास्ता था। अब इन्होंने जो लड़ मिल के कमेटी वालों ने मेरा रास्ता बंद कर दिया, इतना पहला दिया था इन्होंने, उतना ही मेरे को मिल जाना चाहिए थोड़ा सा रास्ता 5 फुट का, जहाँ पर ये दुकान का रास्ता है, देखो ये आगे शॉपी जा गया, उधर दीवार कर रखी है, ये गली से आगे कोई दीवार थोड़ी ना कर सकता है। चलो तो खैर, जिन दुकानों के आगे ये जो है बस स्टॉप का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया था, उन लोगों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था और पुलिस लगातार उनको समझा रही थी। तो सूचना पाकर वहां पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार, जो हाल ही में सडौरा पुलिस स्टेशन में नियुक्त हुए हैं, वो भी आकर पहुँचे और उन्होंने भी फिर लोगों को अच्छे ढंग से समझाना बुझाना आरम्भ कर दिया। मैडम से जाके पूछो, यहाँ छोड़ना मेरे मौके में, मौके मौके कुछ नहीं है, मैडम को क्यों बुला दूँ मैं, मेरा मार रहा मैडम को बुलाना चाहिए, डिस्टर्ब काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आप अपना इसके लिए एक एप्लीकेशन लगाओ। अब उनकी मर्जी है, जो ना तो वो उनकी जो मैं कह रहा हूँ सुन ले, ऐसा नहीं है। अब अगर वो नहीं मान रहे तो अपना जाकर उनसे रिक्वेस्ट करो, ठीक है, 50 साल के लिए 50 साल से बात की बात है, या तो इस पर स्टे हो, पहले बात है सरकारी सरकारी चीज है, इसको रोक नहीं सकती, आप इसके लिए अप्लाई कर दो, रिक्वेस्ट करो। मोबाइल पर जाकर डेमोक्रम पे चलते हैं, ना किसी पे दाग जमा के मैं उसी बच्चे को बचाने के लिए यहाँ आया, आप मेरी बात को, आप आया कि नहीं आया, मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि मैडम यहाँ पे बोल रहे कि हमने 5 फुट का रास्ता दिया, मैडम हम उसको रद्द करते हैं, मैं उसी बोलते 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 नहीं, अपने ऑफिस में जाओ मैडम से बात करो, नहीं तो क्या हो रही है मैडम, मैडम चाहते वही बात करूँ, यहाँ मैं किसी मैडम को नहीं बुलाऊंगा, जो काम लग गया इसको डिस्टर्ब मत करो, अगर करना है माता जी आप समझो, मैंने पिछले उस दिन बच्चे से बता दिया, आप समझो पर्चा दर्ज हो गया बिना बात का, 100 घंटे भी खाने, 100 रुपए भी देने, सारे काम करने, जनाब मेरा तो दोनों का निशन अपना बंद रखा, यहाँ दुकान क्यों बनाई, ये पहले की है जी 50 साल पहले की, तो फिर यहाँ बस वो क्यू सेंटर बना होता है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, बाकी चलो भाई जा रहे हैं, इधर आ जाए एक बार अपना काम करें। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार SHO द्वारा फिर अच्छे ढंग से जो लोगों को समझा बुझा दिया गया, उसके पश्चात निर्माण कार्य वहां पर जो है आरंभ कर दिया गया। तो एक विषय जो आया था आज भी, जिस पर विवाद हुआ और उस पर फिर निर्माण कार्य है, जहाँ पर ये पहले बना हुआ था वहीं से इसका निर्माण कार्य अब आरंभ कर दिया गया है और जल्द ही ये बस स्टॉप जो है इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लोगों द्वारा
लगातार इसका विरोध दर्ज किया गया था। लोगों का ये कहना था कि जब वीरवार को सहमति बन गई थी और कुछ रास्ता प्रशासन द्वारा उनको दे दिया गया था, इसके लिए आभार भी व्यक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों के कहने पर प्रशासन ने फिर से जो है पुनः अपनी बात से जो है हटकर जो है द्वारे से उसी स्थान पर निर्माण कार्य आरंभ कराया जहां पर वो पहले बना हुआ था। अब उनको एक इंच का रास्ता भी यहां से नहीं मिला है, जिसके कारण से उन लोगों में रोष है। वहीं प्रशासन का ये कहना था कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, ना ही सरकारी कार्य में कोई प्रकार से कोई बाधा पहुँचा सकता है। इस कारण से वो अब उसी स्थान पर निर्माण कार्य आरंभ करवा रहे हैं जिस स्थान पर पहले ये बस स्टॉप बना हुआ था। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।